डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। आज 14 अप्रैल को पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है। मैं इनकी जयंती के शुभ अवसर पर इनको कोटि कोटि नमन करता हूं और आज विशेष रूप से हमारे देश के अंदर एक त्यौहार बैसाखी भी मनाया जा रहा है और बैसाखी के शुभ पर्व की मैं अपनी तरफ से और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं समस्त देशवासियों को बैसाखी के पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जन्म जयंती आज हम इस पोलिंग बूथ रामगढ़ पे मना रहे हैं और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आज हम यहाँ पे इस पोलिंग बूथ पे इकट्ठा होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं। इनके द्वारा जो कार्य देश के लिए, समाज के हर वर्ग को एक सूत में प्रोतने के लिए जो कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो किए हैं उनको आज हम याद कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को बंबई के अंदर एक गांव में हुआ और इनके पिताजी उस समय सेना में सेवा करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने एक बचपन से ही एक संघर्ष का जीवन प्रदान किया और उसी जीवन में इन्होंने शिक्षा भारत में ग्रहण की और उसके बाद जे लंदन में वहां पे जाकर इन्होंने लायर की डिग्री हासिल की और उसके बाद जे जब भारत में आए तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गुजरात के अंदर बनाया गया। लेकिन उस समय देश के अंदर शुआशात बहुत चल रही थी, उस चीज़ को इन्होंने सहन नहीं किया और इन्होंने अपने उस सर्व से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देने के बाद पूरे देश का भ्रम इन्होंने एक आंदोलन, एक संघर्ष से शुरू किया और पूरे देश के अंदर हर जाति धर्म के लोगों को एक सूत में प्रोतने के लिए जो कार्य, जो संघर्ष इन्होंने शुरू किया और उसी को आगे बढ़ाने के लिए उस समय हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था और वो अंग्रेज चाहते थे कि पूरे देश के अंदर यहाँ पे लोगों को जात पात के नाम पे डिवाइड किया जाए, आपस में लड़ाया जाए। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश के अंदर हर जाति के लोगों को इकट्ठा करने का कार्य किया है। आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मना रहा है और उनको नमन कर रहा है और उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का संकल्प ले रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी एक ऐसी सोच थी कि इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है, हर जाति को कैसे साथ लेकर चलना है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद ये स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने और लॉ मिनिस्टर बनने के बाद इनको हमारे देश के अंदर एक संविधान लिखना था। उस संविधान को लिखने के लिए
जो कमेटी बनी उस कमेटी के जे चेयरपर्सन थे और इनके ही द्वारा जो संविधान लिखा गया है उस संविधान को भी आज पूरा देश मानता है और इनको नमन करता है। इनके बताए हुए रास्ते पे चलने का सभी संकल्प ले रहे हैं। मैं एक बार फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सभी जाति धर्म के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और इनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।